Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2, Commerce and Management. I welcome you all to today's session, and today this is going to be the first session for your Paper 2, Commerce and Management. So, अगर आप Paper 2, Commerce and Management की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारे आज का पहला session होने वाला है. And the topic that I have chosen today is motivation. इस topic को पहला topic बनाने के दो reason हैं. One is I have been noticing on the Telegram group कि काफी ज्यादा students परेशान चल रहे हैं with respect to the answer keys not being released from NTS side, the result not being released from the NTS side, and I totally understand कि ये frustrating हो सकता है, but जिनका exam का result आने वाला है वो उनके लिए तो ठीक है, but जो बाकी student है जिनका exam most probably June 22 में होने वाला है, they have to be very cautious because आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, यू हैव टू स्टार्ट विद योर प्रिपरेशंस. एंड इसीलिए आज मैं मोटिवेशन टॉपिक लेके आया हूं, हो सकता है कि इससे थोड़ी सी मोटिवेशन आपको भी मिल जाए, एंड दिस इज अ वेरी वेरी क्रूशियल टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं. आई होप कि आप मुझे ठीक से सुन पा रहे होंगे, एंड लेट्स बिगिन विद द सेशन एंड कीप कमेंटिंग योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स सो दैट यू ऑल्सो गेन दैट कॉन्फिडेंस. और मैं सारे की सारी जो मोटिवेशनल थ्योरीज हैं उनको बहुत ही सिंपलिस्टिक तरीके से एग्जांपल देके समझाऊंगा ताकि ये आपको लास्ट तक याद रहे. ठीक है, चलो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. उससे पहले इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, डू सब्सक्राइब टू द चैनल बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन, बिकॉज हमारे ये सेशंस लगातार चलते रहेंगे पेपर वन के लिए भी, पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए भी, फ्रॉम ट्यूजडे टू सैटरडे स्ट्रेट एट 7 PM. ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हमारे सेशंस कैंसिल ना हो. ठीक है, एंड अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, सो द लिंक हैज बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक देख सकते हैं, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी. कुछ आपके दिमाग में सवाल हैं नेट जेआरएफ एग्जाम को लेकर और किसी टॉपिक को लेकर, वो भी आप मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं. सो प्लीज डू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड आस्क योर क्वेरीज देयर ओनली. ठीक है, चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं. एंड आप अपने आंसर्स चैट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मैं सारी की सारी थ्योरीज आपको 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ ही देने वाला हूं. स्टूडेंट्स प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क इस चीज से पड़ता है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ें, चाहे वो मोटिवेशन का हो, चाहे वो रिसर्च का हो, चाहे वो कम्युनिकेशन का हो, आप उसमें 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले रहे हैं. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, कितना भी डिफिकल्ट पेपर आए, कितना भी कंफ्यूजिंग पेपर आए, जिन स्टूडेंट्स के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे वो जेआरएफ निकाल के ले जाएंगे, और ये मेरा दावा है. और इन सेशंस के अंदर मैं उसी लेवल की तैयारी कराने की कोशिश कर रहा हूं. सो प्लीज बेयर विथ मी एंड कीप प्रैक्टिसिंग ऑन दीज क्वेश्चंस. चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग द थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है बेस्ड ऑन मोटिवेशनल थ्योरीज, और हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. These are the most complex questions because ये आपकी analytical thinking, आपकी conceptual clarity को test करता है. तो please इन statements को बहुत धीरे धीरे आराम से समझ के पढ़िएगा. Don't be in a rush to answer the question. ठीक है, let's read the first statement. The concept of ERG, which is existence, relatedness and growth, is similar to Maslow's hierarchy of needs. ये आपका पहला statement है. Second statement is theory of X and Y are similar to each other. Third statement is two factor theory is similar to Vroom's थ्योरी. तो बेसिकली आप यहाँ पे इन ऑल क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे पांच थ्योरीज का जिक्र हो गया है. एक है ईआरजी थ्योरी, द अदर वन इज मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, एक्स एंड वाई थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी विच इज योर मोटिवेशन एंड हाइजीन थ्योरी, एंड द विक्टर व्रूम्स वैलेंस थ्योरी. तो इसका मतलब क्या है कि इस सिंपल से क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें पांच थ्योरीज पता होनी जरूरी है. तो जब तक आप कॉमेंट सेक्शन में आंसर लिख रहे हैं, लेट मी जस्ट टेक यू टू द रिविजन ऑफ दीज एलिमेंट्स. सबसे पहले हम मास्लो थ्योरी ऑफ नीड्स के बारे में बात कर लेते हैं जो अब्राहम मास्लो जी ने दी थी. वेर इट टॉक्स अबाउट द फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो बिल्कुल बेसिक नीड्स होती हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग की. सेकेंड इज द सेफ्टी नीड, जो कि जॉब सिक्योरिटी होती है. लेट्स से कि एक बार आपको बेसिक नीड्स फुलफिल हो गई तो आप ये देखते हैं कि यार मुझे जॉब की भी सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि कल को मुझे अगर कुछ रिस्क लेना है या फिर फैमिली प्लानिंग करनी है तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना आए. द थर्ड वन इज सोशल नीड्स. हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते, वी नीड पीपल अराउंड अस ताकि हम उनके साथ बातचीत कर सकें, दोस्त बना सकें. दैट इज वॉट सोशल नीड्स और रिकग्निशन नीड्स इज ऑल अबाउट. सेल्फ एस्टीम क्या होती है, थोड़ी सी हमारी एक सेंस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट होती है कि यार हमें एक पोजीशन मिल गई है, जहां पे हम पोजीशन के बारे में बात करते हैं, स्टेटस के बारे में बात करते हैं. ठीक है, बेसिकली अपने आप को अच्छा फील कराते हैं दैट ओके वी हैव रीच्ड अ पर्टिकुलर लेवल.
ठीक है, ये हमारे सेल्फ एस्टीम नीड होती है. एंड द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. ये सबसे इंपॉर्टेंट नीड होती है मैं ये समझता हूँ, और हर इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तक पहुंचे. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होती है? वो नीड होती है जो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी को बिलोंग करती है. लेट्स से आप ये सोचते हैं कि मैं इतना अच्छा फैकल्टी बन जाऊं और एक स्पेसिफिक डोमेन का बन जाऊं, लेट्स से एचआरएम, तो ये आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है. और ये कब अचीव होगी? जब आप इंडिया के एक रिकग्नाइज एचआरएम के असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या एक रिकग्नाइज फैकल्टी बन जाएंगे. ठीक है, सो दीज आर योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. इनको अगर हम ईआरजी थ्योरी के अंदर क्लासिफाई करने की कोशिश करें, विच इज एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ, तो अगर इन पैरामीटर्स पे इनको असाइन करने की कोशिश करें, तो जो एग्जिस्टेंस नीड्स है, दे आर कंप्राइज ऑफ सेफ्टी एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स, ये इन दोनों नीड्स को कंप्राइज करता है. जो हमारी रिलेटेडनेस नीड है, जो रिलेट करती है लोगों से, दैट इज रिलेटेड टू योर सोशल एंड सेल्फ एस्टीम. एंड जो लास्ट एलिमेंट है ग्रोथ, वो मेजरली क्लासिफाई होता है या फिर इनकॉन्ग्रुएंस है ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ एस्टीम. तो इससे हमें क्या पता चल गया कि जो ईआरजी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ, वो एक्चुअली में मास्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन से या मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी से रिलेट करती है. ठीक है, नाउ यू हैव टू कमेंट मी एंड टेल मी कि ईआरजी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसने दी थी, हु वाज द पर्सन हु हैज गिवन ईआरजी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप मुझे सही जवाब देंगे. ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी समझ लेते हैं, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें ये थ्योरी समझनी है. नेक्स्ट थ्योरी इज गिवन बाय मैग्रोअर. मैग्रोअर ने थ्योरी दी थी, थ्योरी एक्स और वाई. इसको याद रखने का एक बिल्कुल सही तरीका मैं आपको बताता हूँ. थ्योरी एक्स में एक क्रॉस साइन बना हुआ है, इसका मतलब जिसको आइडेंटिकली कहते हैं हम, कुछ गलत हो रहा है, समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग. ठीक है, तो थ्योरी एक्स उन लोगों को कैटेगराइज करता है, उन लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में बात करता है, हु आर नॉट हैप्पी पीपल, जो हमेशा लेजी होते हैं काम करने में, उनको काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, दे वॉन्ट टू रिलैक्स इन देयर लाइफ, और उनके लिए सिर्फ मॉनिटरी कंसिडरेशन या मनी ही एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है. तो मतलब जो भी सारी चीजें नेगेटिव तो मैं नहीं कहूंगा, बट थोड़े से ऐसे पर्सनालिटी के लोग जिनको क्लोज सुपरविजन चाहिए होता है, जो बहुत ज्यादा काम नहीं चाहते हैं, दे अवॉइड वर्क. ठीक है, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, दे वॉन्ट कि हमें सामने वाला पुश करता रहे, ठीक है, हमें धक्का देता रहे और हमसे काम कराता रहे. ठीक है, दे ओनली हैव द डिजायर टू मनी, उनको सिर्फ पैसे से ही मोटिवेशन आती है. अगर आप उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव देते हैं, दे विल फील मोटिवेटेड, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू फील मोटिवेटेड. ठीक है, लास्ट इज पीपल मस्ट बी पुश्ड टू परफॉर्म. कुछ ऑर्गेनाइजेशन में आपने लोग देखे होंगे या स्टूडेंट्स को भी मैं देखता हूँ, दे आर हाईली सेल्फ मोटिवेटेड पीपल. ठीक है, वो खुद मोटिवेटेड रहते हैं कि नहीं, इट्स द टाइम वी शुड स्टार्ट आर प्रिपरेशन, और हमें जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन करके अपने सिलेबस को खत्म करना है. कुछ लोगों को लगातार कॉन्स्टेंट पुश देना होता है, चाहे उनके पेरेंट्स पुश दें, चाहे उनके फ्रेंड्स पुश दें, या उनके टीचर्स पुश दें कि नहीं यार पढ़ लो, एग्जाम आ रहे हैं. ठीक है, सो दोज काइंड ऑफ पीपल आर कैटेगराइज्ड इनटू थ्योरी एक्स. थ्योरी वाई पर्सनालिटी वाले लोग क्या होते हैं? दीज आर पीपल हु वांट इंडिपेंडेंस इन देयर वर्क. उनको पुश करने की जरूरत नहीं है, उनको आपने कह दिया ये काम होना है, दे आर गोइंग टू गेट इट डन ऑटोमेटिकली, आपको उनके पीछे लगने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी. दीज पीपल सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मांग के इनिशिएटिव लेके कहते हैं कि यार मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, आई वॉन्ट टू गेट दिस वर्क डन. और ऐसा पता है क्यों होता है स्टूडेंट्स? बिकॉज दे हैव दैट सेल्फ ड्रिवन एटीट्यूड इन देम, कि हम इनिशिएटिव लेना पसंद करते हैं, हम नहीं चाहते कि हमें कोई धक्का दे, हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं. और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट का फीलिंग आता है, दैट इज सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. ठीक है, उनको ये फीलिंग आता है कि ये काम अगर हमने ले लिया, हमने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, तो वी हैव ओनरशिप विद दिस पर्टिकुलर वर्क. अगर मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मुझे मेरे नेट के स्टूडेंट्स को गाइड करना है और उनका अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेके जाना है, तो मुझे इसी चीज से मोटिवेशन आती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को अच्छे लेक्चर्स दूं, क्वालिटी लेक्चर्स दूं और लेवल भी बढ़ाता रहूं, बिकॉज द एग्जाम हैज बिकम वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव. ठीक है, पीपल आर मोटिवेटेड बाय सेल्फ फुलफिलमेंट, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन, लर्निंग, ग्रोथ, इन सारी चीजों से ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं देन मनी. ऐसा नहीं है मनी की जरूरत नहीं पड़ती, बट इसके सिवाय भी उनका मोटिवेशन का फैक्टर होता है, विच इज मेजरली लर्निंग एंड ग्रोथ. ठीक है, पीपल नेचुरली वॉन्ट टू वर्क, इनको काम करना पसंद होता है, दीज आर नॉट लेजी पीपल, एंड पीपल विल ड्राइव देमसेल्व्स टू परफॉर्म. ये खुद को ड्राइव कर लेते हैं, किसी और को इनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं होती है. तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स याद भी नहीं है, जो कि याद करने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज इट्स नॉट अ डिस्क्रिप्टिव पेपर, बट आप थ्योरी एक्स से याद कर सकते हैं कि इसके अंदर थोड़े से नेगेटिव ट्रेट्स हैं और थ्योरी वाई के अंदर थोड़े से पॉजिटिव ट्रेट्स हैं. ठीक है, एक और थ्योरी पढ़ लेते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैलेंस थ्योरी गिवन बाय विक्टर ब्रूम. ठीक है, तो वैलेंस थ्योरी क्या कहती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं.
वैलेंस थ्योरी का सबसे पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? एक्सपेक्टेंसी। लोग ये एक्सपेक्टेशन करते हैं, लोगों के दिमाग में ये थॉट रहता है कि अगर मैं एफर्ट लगाऊंगा, इफ यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन स्टडीज लेट्स से, ठीक है, अगर आप पढ़ाई करेंगे सो दैट इज गोइंग टू लीड टू हायर परफॉर्मेंस। ये पहला एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंटैलिटी का। इंस्ट्रूमेंटैलिटी का क्या मतलब है? इट्स रिलेटेड टू लिंकेज और इंस्ट्रूमेंटैलिटी। मतलब जो भी हम पढ़ाई करेंगे या जो भी हम एफर्ट लगाएंगे, उसका जो इम्पैक्ट होगा या जो रिलेशनशिप होगा या जो लिंकेज होगा, वो सीधा का सीधा परफॉर्मेंस से लिंक्ड है। कैसे? अगर आप आज पढ़ाई कर रहे हैं तो देर आर हाई चांसेस कि आपका नेट का एग्जाम अच्छा जाए। दैट इज द लिंकेज यू आर सीकिंग, ठीक है। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंटैलिटी होगा। इंस्ट्रूमेंटैलिटी का सिंपल मतलब है लिंकेज क्रिएट करना, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट क्या है कि जब आप एफर्ट लगाएंगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी सो इट इज गोइंग टू गिव यू रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स का क्या मतलब है? आपका क्लियरिंग ऑफ GRF एंड नेट। परफॉर्मेंस क्या है यहाँ पे? परफॉर्मेंस इज योर स्कोर, आपका अच्छा स्कोर आएगा। आउटकम क्या है कि अगर आपका स्कोर अच्छा आएगा, नेट GRF क्लियर हो जाएगा, तो यू कैन वर्क एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और यू कैन गेट सिलेक्टेड इन टू अ PhD प्रोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है वैलेंस, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। वैलेंस का मतलब है कि जो आउटकम है, जो भी रिजल्ट आने वाला है, वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर जो नेट GRF का रिजल्ट है वो आपके लिए लाइफ एंड डेथ का सवाल है, मतलब आपको तो ये इसी अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना ही करना है, अदरवाइज आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या करियर वाइज प्रॉब्लम हो। लेट्स से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अपनी एज लिमिट के मैक्सिमम लेवल पे होते हैं कि अगर इस अटेम्प्ट में उनका नहीं क्लियर हुआ तो उनकी एज एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी, दे विल नॉट मोर बी एलिजिबल फॉर GRF, तो वो लोग एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, ठीक है। तो बैलेंस का यही मतलब है कि जो भी रिवॉर्ड्स और आउटकम आने वाले हैं वो कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके लिए। अगर वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं तो आप मेहनत करेंगे ही करेंगे, ठीक है। सो दैट वाज द मेजर थ्योरी ऑफ विक्टर ब्रूम्स वैलेंस थ्योरी। आई होप आपको सारी थ्योरीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी, एंड देयरफॉर लेट मी सी व्हाट आर द आंसर्स कमिंग अप। काफी सारे आंसर्स आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ आंसर्स, लेट सी क्या आंसर्स आ रहे हैं। अ लॉट ऑफ आंसर्स आर कमिंग अप, ठीक है, वंडरफुल। सो काफी सारे जो आंसर्स आ रहे हैं दे आर कमिंग अप फॉर, ये एक बार स्टेटमेंट्स को दोबारा देख लेते हैं। थ्योरी एक्स एंड वाई आर सिमिलर टू इच अदर, दे आर नॉट सिमिलर टू इच अदर। टू फैक्टर थ्योरी इज सिमिलर टू ब्रूम्स थ्योरी। अभी तक हमने टू फैक्टर थ्योरी की बात नहीं करी है, बट बहुत ब्रीफली बता देता हूं, आगे सेशन में डिस्कस करेंगे। टू फैक्टर थ्योरी इज योर मोटिवेशन एंड हाइजीन थ्योरी। मोटिवेशनल फैक्टर्स क्या होते हैं? जो बेसिकली सेटिस्फैक्शन देते हैं, और जो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं वो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका प्रेजेंस है तो अच्छी बात है, वरना आपको डिससेटिस्फैक्शन हो सकती है, ठीक है। तो इसको अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा पहला स्टेटमेंट है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स गलत हो जाएंगे। तो द आंसर इज गोइंग टू बी ए, एंड आई कुड सी इन द कमेंट सेक्शन देयर इज विनय देयर, देयर इज अर्चना देयर, काफी सारे लोग ए आंसर दे रहे हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर्स टू वैलेंस। अभी हमने पढ़ा है, एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आपको विक्टर ब्रूम का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, विक्टर ब्रूम की वैलेंस थ्योरी मोटिवेशन समझ में आ गई होगी, तो ये क्वेश्चन आपका 100% सही होने वाला है। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग एन आउटकम, ये तो एक्सपेक्टेंसी हो गई। एफर्ट्स मेड बाय एन इंडिविजुअल टू द फर्स्ट लेवल ऑफ आउटकम, ये आपके एफर्ट्स हो गए। रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट लेवल एंड द सेकेंड लेवल, मतलब एफर्ट्स लिंक्ड टू योर परफॉर्मेंस, ये कौन सा एलिमेंट बोलता है? दिस वॉज टोल्ड बाय द कॉम्पोनेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटैलिटी। ये जो रिलेशनशिप है ये कौन दिखाता है? इंस्ट्रूमेंटैलिटी दिखाता है, अभी अभी हमने पढ़ा है पीछे वाले क्वेश्चन में, आई होप यू आर एबल टू रिकॉल देम। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल्स प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर आउटकम। तो अभी मैंने आपको वैलेंस में बताया था कि जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, जो भी रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, जो भी आउटकम निकल के आ रहा है, वो आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस या क्या अहमियत रखता है। अगर वो अहमियत रखता है बहुत ज्यादा तो आप बहुत सीरियस होंगे मेहनत करने के लिए, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू बी सीरियस, ठीक है। तो आई थिंक हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, द करेक्ट आंसर इज फोर्थ, एंड आई कुड सी काफी सारे लोगों ने फोर्थ आंसर दिया है। एक छोटी सी चीज मैं और बोलूंगा, प्लीज आंसर देने की प्रैक्टिस करिए, बिकॉज जितना ज्यादा आप आंसर देंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता जाता है। सो कॉन्फिडेंस के लिए, अपने मोराल को बूस्ट करने के लिए आंसर देते रहिए। Doesn't matter आंसर गलत हो रहे हैं, आंसर सही हो रहे हैं, वी आर ऑल इन द लर्निंग फेज। अभी तो आपने जस्ट प्रिपरेशन शुरू करी है, आंसर गलत भी हो गई तो कोई बात नहीं दोस्तों, धीरे धीरे आंसर इंप्रूव होने लगेंगे, ठीक है। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों?
क्योंकि देखिए देर इज नो लिमिट टू द मोटिवेशन थ्योरी, बहुत सारी मोटिवेशनल थ्योरीज है और हम पूरी कोशिश करते हैं कि मेजॉरिटी मोटिवेशनल थ्योरीज कवर करें, बट स्टिल आपको स्पेसिफिकली नाम याद रखने जरूरी है सो दैट यू डोंट मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक. तो एएच मास्लो, अब्राहम मास्लो, ये हमें पता है. क्रिस एग्रिस, आई डो नॉट नो वेदर यू हैव रेड द थ्योरी और नॉट. फ्रेडरिक हर्सबर्ग, हमें पता है, ही हैज गिवन द टू फैक्टर थ्योरी. एंड देन वी हैव पीटर एफ ड्रकर. तो हो सकता है कि आपको ये दोनों पता हो, बट ये दोनों हो सकता है आपको ना पता हो, तो हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूजन बनी रहे. तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ आपको, मैं आपको क्रिस एग्रिस बिहेवियर की, क्रिस एग्रिस की पर्सनालिटी वाली थ्योरी बता देता हूँ, ताकि हमको वो क्लैरिटी आ जाए दैट व्हाट इज द थ्योरी गिवन बाय क्रिस एग्रिस बिहेवियर. ठीक है, क्रिस एग्रिस की बिहेवियरल थ्योरीज भी काफी सारी हैं. सो क्रिस एग्रिस ने ये थ्योरी दी थी, उनकी थ्योरी का नाम है मैच्योरिटी इमैच्योरिटी कॉन्टिन्यूम. ठीक है, अब इस थ्योरी का मतलब क्या है प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, बिकॉज हो सकता है काफी सारे लोग इसको पहली बार पढ़ रहे हो. सो क्रिस एग्रिस ने कहा कि जब कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, ठीक है, तो जब आप इनिशियली काम करना शुरू करते हैं तो आप में कुछ ऐसी पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं जो आपकी इमेच्योरिटी को दर्शाता है या फिर शोकेस करता है. जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है, जैसे जैसे आप लर्निंग की तरफ बढ़ते जाते हैं, बेसिकली यू मूव फ्रॉम बीइंग इमेच्योर टूवर्ड्स मैच्योरिटी. आप खुद की बिहेवियर में देखिएगा कि आज से 3 साल पहले जो आपका बिहेवियर था, जो आपकी पर्सनैलिटी थी, और आज जो आपका बिहेवियर है, जो पर्सनैलिटी है, द वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ डीलिंग विद पीपल, द वे ऑफ डीलिंग विद प्रॉब्लम्स, उसमें जमीन आसमान का अंतर आ गया है. तो यही चीज क्रिस एग्रिस अपनी मोटिवेशनल थ्योरी में बोलते थे कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं, लर्निंग ले रहे हैं, सो यू आर गोइंग टू बी अ ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन एंड यू विल हैव अ मूवमेंट फ्रॉम बीइंग अ इमैच्योर पर्सनालिटी टू अ मैच्योरिटी पर्सनालिटी. ठीक है, तो कुछ कॉम्पोनेंट है. पहले आपका पैसिव काम होगा, ठीक है, आप पैसिव होंगे किसी काम को लेकर, ठीक है मिल गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं. एंड यू आर गोइंग टू टर्न इनटू एक्टिव. जब आप मैच्योर हो जाएंगे तो आप कहेंगे, यू विल सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यार मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, मैं काम करना चाहता. You would be dependent upon people. With time, you would want to become independent. आप खुद से decision making करना चाहेंगे. Next is behave in few ways. ठीक है, मतलब आपको अगर गुस्सा आता है, अगर आपकी personality में थोड़ी सी frustration है या anger है, तो वो हर जगह दिख जाएगा. It will be very evident in your personality, in your behavior with people, in terms of dealing with people. But जब आप mature हो जाते हैं, तो आपका चीजों को मैनेज करने का तरीका, चीजों को डील करने का तरीका, बिहेवियर करने का तरीका, मतलब अगर आपको गुस्सा भी आ रहा होता है तो यू लर्न हाउ टू मैनेज इट, दैट इज नोन एज इमोशनल क्वेश्चन. तो जब आप मैच्योर हो जाते हैं तो आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका पेशेंस लेवल, टॉलरेंस पावर, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं. ठीक है, इराटिक शैलो इंटरेस्ट. इराटिक शैलो इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है कि आपको थोड़ी दिन के लिए मन करेगा कि यार मैं एचआरएम में रिसर्च कर लेता हूँ, कुछ दिन बाद आपका मन करेगा नहीं यार एचआरएम में नहीं मजा आ रहा, एक काम करता हूँ फाइनेंस में रिसर्च कर लेता हूँ. मतलब जब आप इमेच्योर होते हैं, जब आपने टीनेजर्स को देखा होगा, वो क्या करते हैं, कुछ दिन कहते हैं कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है, कुछ टाइम बाद कहते हैं मुझे सीए करना है, कुछ टाइम बाद कहते हैं मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है. व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज दे आर नॉट मैच्योर इनफ. उन्होंने जो भी डिसीजन लिया होता है वो बहुत इमेच्योरिटी में लिया होता है. कॉज बेनिफिट करके, प्रॉपरली जानकारी लेके, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, रिसर्च करके वो डिसीजन नहीं लिया होता. ठीक है, वेयर एज जब आप मैच्योर हो जाते हैं तो अब आप डीप एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट शो करते हैं कि नहीं यार मुझे क्लैरिटी आ गई है कि मुझे नेट क्लियर करना है, जीआरएफ क्लियर करना है, जीआरएफ क्लियर करने के बाद पीएचडी करनी है, पीएचडी किस सब्जेक्ट में करनी है, एचआरएम में करनी है या मार्केटिंग में करनी है, देन मुझे किसी अच्छे कॉलेज में लेक्चरर की तरह लग के पढ़ाना है. सो आपको वो क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है. ठीक है, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, बहुत ही छोटे टर्म से सोचते हैं. ठीक है, जैसे मैं अभी भी अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि प्लीज डोंट प्रिपेयर कि मुझे सिर्फ ये एग्जाम क्रैक करना है. ये सोच के चलिए कि आज से 2 साल बाद 3 साल बाद आप पढ़ाने वाले हैं स्टूडेंट्स को. अगर आपकी नॉलेज अच्छी नहीं होगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं अच्छी होगी, तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा. हो सकता है आपको जॉब मिल जाए, जो कि सबको कहीं ना कहीं मिल ही जाती है किसी ना किसी कॉलेज में. वी हैव प्लेंटी ऑफ जॉब्स, प्राइवेट कॉलेज में मिल जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाएगी. कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा लेंगे, यू विल गेट जॉब. बट अगर आपको लॉन्ग टर्म होराइजन चाहिए कि नहीं, आई शुड बी रिस्पेक्टेड एज अ फैकल्टी, एक ये भी तो तरीका होता है ना कि मैं अपनी नजरों में अच्छा पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है पढ़ा के, कि मैं सिर्फ काम चलाओ पढ़ा दे रहा हूँ और बस क्लास लेके निकल जा रहा हूँ. तो ऐसे लोग भी होते हैं लाइफ में. तो जब आप मैच्योर हो जाते हैं तो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि यार लॉन्ग होराइजन में क्या होगा. ठीक है, इमेच्योरिटी जब होती है, ठीक है, तो आप पोजीशन के बारे में सोचते हैं कि यार मुझे कोई भी पोजीशन मिल जाए, ज्यादा काम ना करना पड़े. ठीक है, आप पोजीशन के बारे में नहीं सोचते, सबऑर्डिनेट पोजीशन खोजते हैं आप. ठीक है, जब आप मैच्योर हो जाते हैं, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करने लगते हैं, तो आपको इक्वल पोजीशन चाहिए होती है या फिर आपको सुपरऑर्डिनेट पोजीशन चाहिए होती है. आप छोटी छोटी पोजीशन के लिए नहीं भागते हैं, यू बिकम मोर एम्बिशियस. ठीक है,
लास्ट एलिमेंट है लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, आप खुद की पर्सनालिटी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। जैसे जैसे आप मैच्योर हो जाते हैं आपको खुद की पर्सनालिटी के बारे में भी अच्छी जानकारी होती है और खुद के बिहेवियर के बारे में कि किसी भी सिचुएशन में आप कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, नॉट रिएक्ट, अब आप रिएक्ट नहीं करने वाले, रिस्पॉन्ड करने वाले हैं उस सिचुएशन को डील करके समझ से, ठीक है। सो दैट इज वॉट अवेयरनेस और कंट्रोल ओवर सेल्फ मींस। सो इस तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम बीइंग इमैच्योर टू मैच्योर। सो दिस इज योर क्रिसाग्रियस बिहेवियर थ्योरी में क्यों कहता हूं, बिकॉज यहां पे आपकी बिहेवियर और पर्सनालिटी में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। एक और थ्योरी समझ लेते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसको हम टू फैक्टर थ्योरी कहते हैं, हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी, जहां पे दो एलिमेंट्स हैं, कुछ मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं और कुछ हाइजीन फैक्टर्स हैं। मोटिवेशनल फैक्टर्स का क्या होता है, अगर ये होंगे सो देयर इज गोइंग टू बी जॉब सेटिस्फैक्शन, नहीं होंगे तो देयर इज गोइंग टू बी नो सेटिस्फैक्शन, ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन नहीं होता है, नो सेटिस्फैक्शन होता है। और अगर हाइजीन फैक्टर्स होंगे तो क्या होगा, इफ दे आर गोइंग टू बी देयर, देयर इज गोइंग टू बी नो डिससेटिस्फैक्शन, यहां पे कोई भी डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा आपको। और अगर ये नहीं होंगे, इफ दे आर नॉट देयर, देन यू आर गोइंग टू फेस डिससेटिस्फैक्शन, तो आपको डिससेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है। ये मोटिवेशन नहीं प्रोवाइड करते हैं, मोटिवेशन के लिए आपके पास मोटिवेशनल फैक्टर्स प्रोवाइड किए हुए, ठीक है। नो डिससेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन एंड नो सेटिस्फैक्शन, ठीक है। आई होप दैट क्लैरिटी इज देयर। मोटिवेशनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, अचीवमेंट, आप कुछ अचीव करते हैं, रिकग्निशन, आपको लोगों के सामने प्रेज मिलता है, अवार्ड मिलता है, यू आर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट समथिंग डन, जैसे मैंने कहा एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाती है। वर्क इटसेल्फ, अगर आप लर्निंग एंड ग्रोथ की तरफ देखते हैं तो वो काम ही आपके लिए मोटिवेशन होगा, अदरवाइज आपका जो फोकस होगा वो मनी पे होगा, आउटकम पे होगा। वरना कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपने काम में खोजते हैं कि यार इसमें मुझे क्या सीखने मिल रहा है, व्हाट आर द स्किल्स, व्हाट आर द लर्निंग्स दैट आई एम एक्चुअली टेकिंग। नेक्स्ट हो गया एडवांसमेंट। एडवांसमेंट होता है बेसिकली कि आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे चले जाते हैं, वो आपको अच्छा लगता है कि यार मैं पहले जूनियर मैनेजर था, अब मैं सीनियर मैनेजर बन गया, पार्टनर बन गया, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ, आप अपनी पर्सनल ग्रोथ देखते हैं कि यार मैं करियर में भी प्रमोट हो रहा हूँ, मुझे स्किल सेट भी ज़्यादा आ रही है और मेरी मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन भी बढ़ गई है। सो ये सारे आपके मोटिवेशनल फैक्टर्स हो गए। हाइजीन फैक्टर क्या हो गया, वर्किंग कंडीशन, ठीक है, जो आपको एटमॉस्फेयर दिया गया है, को वर्कर के साथ रिलेशन कैसा है, अगर आप जिसके साथ काम करते हैं उसके साथ रिलेशन अच्छा है तो आपको अच्छा लगेगा, अदरवाइज नॉट। पॉलिसीज एंड रूल्स, सुपरवाइजर क्वालिटी, जो आपको सुपरवाइज कर रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या वो ऊपर ऊपर से चीजें बता देता है कि एक्चुअली वो डिटेल में जाके चीजें समझता है और देन आपको रिस्पॉन्ड करता है। बेस वेज एंड सैलरी, बिल्कुल बेसिक कॉम्पेंसेशन जो मिलता है, जो किसी भी इंप्लॉय को मिलता है, वो एक हाइजीन फैक्टर में आता है, इट इज नॉट अ मोटिवेशनल फैक्टर। बोनस ऑफकोर्स, अगर आपको बहुत हैवी कॉम्पेंसेशन मिल रहा है या जिसको आप कहते हैं ईसॉप्स मिल रहे हैं, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसको हम फाइनेंस में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, स्टॉक ऑप्शंस मिल रहे हैं एज अ मैटर ऑफ रिवॉर्ड, देन दैट कैन एक्ट एज अ मोटिवेशनल फैक्टर, ठीक है। तो ये हमारे हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी हो गई, ठीक है। तो बेसिकली हमें समझ में आ गया कि हर्ज़बर्ग की भी थ्योरी है, मास्लो की हमें पता है, क्रिसाग्रियस की हमने पढ़ ली, तो पीटर एफ ड्रकर इज नॉट रिलेटेड टू योर मोटिवेशनल थ्योरी, रादर इनके अदर काफी मैनेजमेंट की थ्योरीज हैं, सच एज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है। तो ऐसी काफी सारी थ्योरीज हैं इनकी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स भी है, सॉरी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इज वन ऑफ द थ्योरीज। तो इसी तरीके से काफी सारी इनकी थ्योरीज हैं जो मैनेजमेंट से डील करती हैं, जहां पे आप ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करते हैं एम्प्लॉय के साथ बैठ के, एमबीओ है इनका थ्योरी का नाम, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जहां पे आप एम्प्लॉयज के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, देन यू फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव्स विच आर टू बी अचीव्ड इन अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो आई होप यू हैव गिवन दिस ओनली एज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। एज पर हर्ज़बर्ग हाइजीन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो अभी अभी हमने पढ़ी है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मोटिवेशनल फैक्टर। अब देखिए, अगर आपने पिछले क्वेश्चन में ठीक से पढ़ाई करी होगी, ठीक से समझा होगा, तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। इज इट रिकॉग्निशन, इज इट वर्किंग कंडीशन, इज इट रिस्पॉन्सिबिलिटी और इज इट अचीवमेंट। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, बट जैसे मैंने कहा, हाई लेवल ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए इन ऑर्डर टू आंसर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है का क्या मतलब है, हमें हाइजीन फैक्टर खोजने हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, दिखा भी देता हूं आपको जल्दी से पीछे, ये देखिए, अगर हम हाइजीन फैक्टर की बात करते हैं तो वर्किंग कंडीशन जो है वो हाइजीन फैक्टर का पार्ट है, वेयर एज अचीवमेंट, रिकॉग्निशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर योर मोटिवेशनल फैक्टर। तो हमें यहाँ पे हमारा आंसर मिल चुका है, दैट वर्किंग कंडीशन इज नॉट गोइंग टू बी अ मोटिवेशनल फैक्टर, एंड देयरफॉर सेकंड इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपने कॉमेंट सेक्शन में यही आंसर दिया होगा, और मैं देख पा रहा हूं कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, and it's a very tricky question and it's based on a new theory also.
लेट्स हैव अ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन, जो कि एक assertion reasoning question है। आई होप आपको इस सेशन में मजा आ रहा होगा, सारी थ्योरीज मोटिवेशन की आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। स्टिल कोई भी डाउट है आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। लेट्स लीड द लास्ट क्वेश्चन विच इज एन assertion reasoning बेस्ड क्वेश्चन। इक्विटी थ्योरी ऑफ वर्क मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन अ सोशल एक्सचेंज प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल मेक कॉन्ट्रीब्यूशंस, जिसको हम इनपुट कहते हैं, एंड एक्सपेक्ट रिवॉर्ड्स, जिसको हम आउटपुट कहते हैं। ठीक है, इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो स्टेसी एडम्स ने दी थी, इसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो थ्योरी हमने आइडेंटिफाई कर ली। इंडिविजुअल डिसाइड वेदर और नॉट अ पर्टिकुलर एक्सचेंज इज सेटिस्फैक्टरी, लोग कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग देयर इनपुट्स एंड आउटपुट्स विद दोज ऑफ अदर्स, अपने और इनपुट और आउटपुट को दूसरों के जो कलीग्स हैं, जो लोग साथ में काम कर रहे हैं उनके साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू रेक्टिफाई इनइक्वालिटी, वो रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं इनइक्वालिटी को। ठीक है, तो ये हमारा assertion reasoning question है। जब तक आप सब स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर मुझे चैट बॉक्स में दे रहे हैं, जल्दी से मैं आपको ये थ्योरी समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इंडिविजुअल का आउटकम ले लिया, इंडिविजुअल के इनपुट ले लिए, जो भी वैल्यू आई कैलकुलेट कर ली, सिमिलरली दूसरों के आउटकम ले लिए और इनपुट ले लिया और उसको कंपेयर करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, प्लीज ध्यान से इस डायग्राम को देखिएगा। दूसरा का जो आउटपुट है एज कंपेयर टू देयर इनपुट इज ग्रेटर देन द पर्सन्स इंडिविजुअल्स आउटकम, मतलब आप अपने आउटकम को अगर कंपेयर करते हैं तो आपको खुद का आउटकम कम लगता है एज कंपेयर टू अदर्स। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि यार मेरे साथ गलत हो रहा है, यहाँ पे इनइक्विटी की सिचुएशन आ रही है। तो आपके अंदर क्या आएगा, आपके अंदर एंगर या फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन आएगी कि यार मैं काम तो बराबर कर रहा हूँ बट इन टर्म्स ऑफ आउटकम मुझे कम मिल रहा है और मेरे कलीग्स को जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको ज्यादा मिल रहा है। सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है कि जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको लगता है यार बिल्कुल इक्वल है, मैं भी उतने घंटे ऑफ काम कर रहा हूँ, मैं भी उसी प्रोडक्टिविटी से काम कर रहा हूँ और उसको भी बराबर आउटपुट मिल रहा है, बराबर सैलरी दी जा रही है। ठीक है, सो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ इक्विटी और यहाँ पे सेटिस्फैक्शन वाली सिचुएशन आती है, यू आर बेसिकली हैप्पी अबाउट इट। ठीक है, वो हमने थ्री इडियट्स में देखा था ना कि वो एक कहावत थी कि कोई और फेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई और अच्छा परफॉर्म कर जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर दोस्त या जो पार्टनर या जो कलीग साथ में काम करता है अगर वो फर्स्ट आ जाए तो हमें बहुत तकलीफ होती है। तो बेसिकली उससे आप याद रख सकते हैं, दैट कुड बी अ गुड एग्जांपल टू रिमेंबर दिस थ्योरी ऑफ स्टेसी एडम्स, इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपका आउटकम ज्यादा है। अब देखिए ये उल्टी बात हो रही है, आपका आउटकम ज्यादा है, आपका जो कलीग है पार्टनर जो है उसका आउटकम कम है, व्हेन यू आर कंपेयरिंग इनइक्विटी की सिचुएशन आ रही है, बट आपको क्या फील हो रहा है, यार बहुत अच्छी बात है, प्राइड है, अच्छा लग रहा है आपको, यू आर फीलिंग ओवर कॉन्फिडेंस। हो सकता है कि थोड़ा सा अगर आप अच्छे इंसान है तो आपको गिल्ट की भी फीलिंग है कि यार मुझे बुरा लग रहा है, आई एम वेरी सैड अबाउट इट कि मेरी परफॉर्मेंस भी उतनी ही अच्छी है बट मुझे आउटकम ज्यादा अच्छा मिल रहा है, आउटपुट ज्यादा अच्छा मिल रहा है, मेरे फ्रेंड को या मेरे कलीग को नहीं मिल रहा। तो ये तीन सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, आई होप आपको ये स्टेसी एडम्स की थ्योरी अच्छे से क्लियर हो गई हो। अब मैं आपको बताऊं कि पहला जो assertion है वो तो बिल्कुल ठीक है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो रीजन है यहाँ पे, ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि स्टेसी एडम्स ने कहीं भी ये चीज नहीं बोली है कि हर सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी में वो क्या करेगा, ही इज गोइंग टू रेक्टिफाई इट। ये कहीं भी स्टेसी एडम्स ने अपने आर्टिकल में अपनी थ्योरी के अंदर ये चीज नहीं बताई थी। इनफैक्ट अगर आप थर्ड सिचुएशन देखेंगे जो कि अगेन एक इनइक्वालिटी की सिचुएशन है, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट हियर, यहां पे भी आप देखिए कहीं कहीं प्राइड लिखा हुआ है, आप खुश हो रहे हैं या आप प्राइड फील कर रहे हैं, आप इस चीज में प्राइड ले रहे हैं कि यार मेरे कलीग को तो कम आउटकम मिल रहा है, मेरे को ज्यादा मिल रहा है, मेरे को तो सैलरी ज्यादा मिल रही है। तो यहाँ पे रेक्टिफाई के बारे में बात ही नहीं की गई है, देयरफॉर वी कैन नॉट से दैट द रीजन इज करेक्ट। रेक्टिफाई वाला एलिमेंट जो है वो कॉम्पोनेंट नहीं एग्जिस्ट करता है स्टेसी एडम्स की थ्योरी के अंदर, तो हमारा जो रीजन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी थर्ड, विच इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन। आई होप आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा, आपका स्कोर भी बहुत अच्छा होगा, जल्दी से मुझे कॉमेंट करके अपने स्कोर चैट बॉक्स में बता दीजिए, एंड इसी तरीके से प्लीज मेरे साथ बने रहिए, लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आई होप आज का सेशन आपको थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग लगा होगा, बट इंपॉर्टेंट जितनी भी थ्योरीज हैं, 5-7 इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल थ्योरी, वो हमने बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ क्लियर कर ली है। इसके बाद भी कोई डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और इस चैट बॉक्स पे भी आप कमेंट करके मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सेशन पसंद आया तो थोड़ा सा छोटा सा एफर्ट लगा लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम कल मिलेंगे विद अनदर इंपॉर्टेंट सेशन, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड गुड बाय।